हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दी बड़ू जोन में। और UKSSC की तरफ से उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा, जो कि पहली बार उत्तराखंड में जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जा रहा है UKSSC के द्वारा, उसके बारे में आयोग ने कुछ चीज़ें क्लियर कर दी हैं और इससे रिलेटेड सभी निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जो कि आज जारी किए गए हैं। तो कौन कौन से निर्देश जारी किए गए हैं और किन किन बातों का आप लोगों को ध्यान में रखना है, तो इसलिए आपको, अगर आपने UKSSC के फॉर्म भर रखे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इन बिंदुओं को, इन निर्देशों को अच्छी तरह समझ लें, ताकि आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो CBT जो है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, किस तरीके से होगा, क्या होगा, इसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है, अन्यथा आपको कुछ समस्या ना हो, तो इसके लिए आपको जरूरी है कि इस ज्ञापन को पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पत्रांक संख्या यहाँ पर दे रखी है 1031, और यहाँ पर दे रखी है आज की तारीख डाल रखी है यहाँ पर। तो पढ़ते हैं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT का आयोजन शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए पहला परीक्षा कार्यक्रम भी जारी किया जा चुका है। तो परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा की जाने वाली सार्वजनिक सेवाओं की भर्तियों व प्रतिभाग करने के इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षाओं की प्रक्रिया तथा इस परीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण बातों को समझ लें। तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें, तो सीधे आ जाते हैं महत्वपूर्ण बातों की तरफ को। तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जैसे सामान्य बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, आयोग द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों एवं संगठनों के लिए मानव संसाधन एक चयन प्रक्रिया के द्वारा उपलब्ध कराता है। तो इसमें साफ लिखा गया है कि परीक्षा की कुछ कमियों को दूर करने किए जाने की दृष्टि से तथा परीक्षाओं को और अधिक पारदर्शी व सुचितापूर्ण बनाने के की दृष्टि से आयोग ने राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन परीक्षाएं कराए जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि जो क्लैरिटी है, जो कि पारदर्शिता है, सुचिता है, वो बनी रहे परीक्षा की, और किसी प्रकार की घपलेबाजी ना हो, उसको रोकने के लिए ऑनलाइन परीक्षाएं की शुरुआत की जा रही है UKSSC के द्वारा। ऑनलाइन परीक्षाओं की यह शुरुआत है, तो ये ऑनलाइन परीक्षाओं की यह शुरुआत है, यह नहीं समझा जाना चाहिए कि इसके बाद आयोग की सभी परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से ही होंगी। तो ये साफ क्लियर किया गया है UKSSC ने कि भाई, हम इस समय तो करा रहे हैं, पहली बार हम लोग क्या करा रहे हैं, ये ऑनलाइन परीक्षा जो है संपादित करा रहे हैं, लेकिन ये ना समझा जाए कि सभी परीक्षाएं ही UKSSC की ऑनलाइन होंगी, तो ये नहीं समझा जाना चाहिए। व्यवहारिता की दृष्टि से तथा ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता की सीमाओं के कारण ऑनलाइन परीक्षाएं भी संपादित की जाएंगी। जिस तरीके से देखा जाएगा, जिसमें कम लोग आवेदन कर रहे हैं, जिनमें कम पदों की संख्या है, या कम आवेदन आते हैं, तो आवेदकों की संख्या को देखते हुए ही आगे का निर्णय लिया जाएगा कि ऑनलाइन परीक्षा करानी है या नहीं करानी है। ये जो निर्णय है UKSSC विभाग के आयोग के पास रहेगा। तो ये ना समझना कि सभी परीक्षाएं ही ऑनलाइन होंगी, ऑफलाइन भी परीक्षाएं चलती रहेंगी। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, तीसरा, राज्य सरकार की सेवा एक सार्वजनिक सेवा या लोकप्रिय लोक सेवा है, अतः एक लोक सेवक के रूप में चयन के इच्छुक अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया के दौरान तथा उसके उपरांत सेवा के दौरान भी मर्यादित आचरण की अपेक्षा की जाती है। ऑनलाइन परीक्षाओं का अर्थ यह है कि अब अभ्यर्थियों को कागज में छपी प्रश्न पुस्तिका या उत्तर शीट OMR शीट नहीं दी जाएगी, बल्कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ही प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी की सुविधा दी जाएगी। पांचवा बिंदु अगर आप देखते हैं, यह भी स्पष्ट है कि ऑनलाइन परीक्षाएं कंप्यूटर पर होंगी। ऐसे में परीक्षा केंद्र वहां पर होंगे जहां समुचित मात्रा में उचित मानकों वाला कंप्यूटर उपलब्ध हो, अतः सामान्य विद्यालयों व पाठशालाओं में यह परीक्षा नहीं हो सकेगी। वर्तमान में परीक्षा योग्य कंप्यूटरों की संख्या राज्य में काफ़ी कम है, क्योंकि सेंटर बहुत ऐसे कम है जहाँ पर उपलब्ध कंप्यूटर की संख्या मिल जाए, काफ़ी कम है। साथ ही कम शहरों में परीक्षा योग्य कंप्यूटर केंद्र है। ऐसे में ऑनलाइन परीक्षा में अपने ज़िले में या निकट में परीक्षाओं की सुविधा नहीं मिल सकेगी। तो क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ऑनलाइन परीक्षाओं के जो केंद्र हैं, उसके लिए जितने कंप्यूटर चाहिए उतने कंप्यूटर की उपलब्धता बहुत कम है। इसी वजह से जो भविष्य में जो है अपने ज़िले में या निकट में, तो आपको जो आपको अपने यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका जो सेंटर है वो आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं पड़ सकता।
ठीक है, क्योंकि उपलब्ध प्रयास करेगा कि अभ्यर्थियों को अपने अपने मंडलों में परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाए, लेकिन ये कोशिश जरूर की जाएगी कि आपका जो गढ़वाल मंडल है, कुमाऊं मंडल है, उसमें आपको परीक्षा केंद्र की उपलब्धता दी जाएगी। अगला बिंदु, आठवां बिंदु आप पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन परीक्षा की भांति ऑनलाइन परीक्षाओं में भी अभ्यर्थी चेकिंग बिस्किंग, मतलब आपकी चेकिंग की जाएगी, आपको समय से 2 घंटे पूर्व वहां पहुंचना है। अगला पॉइंट, ऑनलाइन परीक्षाओं में अभ्यर्थी की परीक्षा के लिए केवल एक पेंसिल लानी होगी, तो आप क्या ले जाएंगे साथ में, अभ्यर्थी केवल एक पेंसिल ही लाएगा, ठीक है, आपको केवल एक पेंसिल ले जानी है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं ले जाना है, रफ कार्य करने के लिए भी ले जाना है। अगला है 10वां पॉइंट, परीक्षा के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति रहेगी, तो बिजली की चिंता ना करें, ये हेडेक जो है ये आयोग का रहेगा, विद्युत आपूर्ति तथा समुचित स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी का उपयोग किया जाएगा, ठीक है, किंतु यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी अभ्यर्थी या किसी केंद्र पर कोई कठिनाई पाई जाती है तो ये वहाँ पर यथा उचित उपचारात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब देश में ऑनलाइन परीक्षाओं की बड़ी संख्या में आयोजित हो रही है, कंप्यूटर की कमी के कारण सभी परीक्षा संगठनों विभागों द्वारा कई शिफ्ट में परीक्षाएं कराई जा रही हैं, तो क्योंकि कंप्यूटर सेंटर जो हैं वैसे कम है, इसीलिए जो आपकी जो परीक्षाएं होंगी वो अलग अलग शिफ्ट में होंगी, किसी का पेपर किसी टाइमिंग पड़ेगा, किसी का पेपर कभी टाइमिंग पर पड़ेगा, तो टाइमिंग सबकी अलग अलग हो सकती है, प्रत्येक शिफ्ट में अलग अलग प्रश्न पत्र होगा, तो अलग अलग शिफ्ट में होंगी, तो ऐसा नहीं है कि आपने जो प्रश्न पत्र किया है या क्वेश्चन जो करें वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर कई शिफ्ट में होने वाली परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन या सांख्यिकी पद्धति का उपयोग वर्तमान में एक स्थापित प्रक्रिया है, वह सभी परीक्षा संस्थानों द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है, जहां किसी तकनीकी कठिनाई के कारण कोई शिफ्ट या केंद्र की परीक्षा नहीं हो सकेगी वहां पर भी पुनर्निरीक्षा का अवसर दिया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन पद्धति से परिणाम जारी किया जाएगा। अगला बिंदु देखते हैं, जिन अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क सहित पूर्ण रूप से आवेदन पत्र भरे गए हैं उनके प्रवेश पत्र आपको ऑनलाइन परीक्षाओं की भांति ही आयोग की वेबसाइट में डाउनलोड किए जा सकेंगे, तो आयोग की वेबसाइट में, और इसकी जानकारी आपको SMS के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो जाएगी। अगला बिंदु है, परीक्षा के दौरान मर्यादित आचरण ना करने पर तथा शुचिता की प्रभावित करने वाली कोई भी गतिविधि करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र में लाई जाने वाली प्रतिबंधित सामग्री का विवरण प्रवेश पत्र में दे दिया जाएगा कि जिन चीज़ों के लिए मनाही है, जिन चीज़ों को नहीं आप ले जा सकते तो उसके बारे में उसमें प्रवेश पत्र में लिखा रहेगा, तो आपको वो चीज़ें नहीं ले आनी है। अगला है, परीक्षा के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी CCTV कैमरा में आज से अच्छा दे रहेगा, तो आप पर नज़र CCTV कैमरे की रहेगी, तो आपका संदिग्ध व्यवहार आपको खतरे में डाल सकता है, आपको मुसीबत में डाल सकता है। परीक्षा दिवस के लिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, अब वो ये बिंदु पढ़ते हैं। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है परीक्षा दिवस से पूर्व ही अपने परीक्षा केंद्र को देख लें। दूसरा है कि आपको अपने पेपर के 2 घंटे पहले आपको वहां पहुंचना है। एक निश्चित समय के उपरांत परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार तथा क्षेत्र बंद कर दिया जाएगा, फिर आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को चेकिंग फिशिंग सुरक्षा जांच अनिवार्य रूप से करानी होगी, वह इसके लिए निर्धारित सुरक्षा जांचकर्ताओं को यथा योचित सहयोग आपको प्रदान करना पड़ेगा। चेकिंग के समय अनुशासन बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। सुरक्षा जांच के उपरांत बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी, तो ये भी मेन है, सुरक्षा जांच के उपरांत आपकी बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी। परीक्षा प्रारंभ होने से के पूर्व अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित किसी भी शंका के संबंध में अपने प्रश्न पर्यवेक्षक से पूछ सकता है, वह समाधान ले सकते हैं। परीक्षा प्रारंभ होने के उपरांत किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछने और वार्तालाप की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रक्रिया किस तरीके से, देखिए आपको किस तरीके से कंप्यूटर में आपको कैसे सॉल्व करना होगा और क्या क्या बिंदु रहेंगे सुन लीजिए। कंप्यूटर स्क्रीन परीक्षा प्रारंभ होने के समय पर स्वतः ऑन हो जाएगी, तो कंप्यूटर स्क्रीन जैसे ही आपका पेपर होने वाला होगा तो कंप्यूटर की जो स्क्रीन है परीक्षा प्रारंभ होने से पहले अपने आप ही ऑन हो जाएगी। अभ्यर्थी अपने व्यक्तिगत विवरण नाम अनुक्रमांक तथा हिंदी तथा अंग्रेजी में अंकित कर सकेंगे। अगला, परीक्षा संबंधी निर्देश पढ़ने के उपरांत ऑफलाइन परीक्षा की भांति प्रश्न पत्र हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, तो आपको कंप्यूटर का जो प्रश्न पत्र है वो दोनों ही भाषाओं में हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध होगा। हिंदी भी लिखी होगी, उसी के सामने इंग्लिश भी लिखी होगी या उसके नीचे लिखी होगी। अभ्यर्थी पहला तथा 20वां या 100वां कोई भी प्रश्न देख सकता है, तो आपको ये सुविधा होगी कि आप कोई भी प्रश्न में जा सकेंगे, किंतु एक बार में एक ही प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी किसी भी क्रम या किसी भी संख्या
के प्रश्न का उत्तर अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं। क्रम आप चेंज कर सकते हैं, कहीं पर भी आगे पीछे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए अभ्यर्थी को 4 विकल्प दिए जाएंगे। एक विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने से यह विकल्प हाईलाइट हो जाएगा और यह चयनित हाईलाइटेड विकल्प ही अभ्यर्थी का उत्तर माना जाएगा। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का हल नहीं करना चाहता है तो कृपया उस प्रश्न पत्र के किसी भी विकल्प को क्लिक ना करें। अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो आप वहां पर क्लिक ना करें, या प्रीवियस और नेक्स्ट बटन करके क्लिक करके अगले प्रश्न पर आप जा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आप अगर आपको लगता है कि ये इसका उत्तर मुझे नहीं आता है, इसका आंसर मुझे नहीं पता है, तो आप प्रीवियस और नेक्स्ट कर सकते हैं, आप उसे छोड़ दीजिए। यदि अभ्यर्थी ने किसी प्रश्न का उत्तर क्लिक कर दिया है किंतु वह सोचता है कि इसका उत्तर एक बार और बाद में समय मिलने पर पुनर्विचार के योग्य है, तो वह बुकमार्क विकल्प लेकर समीक्षा के लिए चिन्हित कर सकता है। उसको लगता है कि मैं यहाँ पर ये क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कहीं ये गलत तो नहीं है, उसके मन में कोई डाउट है, तो वह बुकमार्क करके वह चिन्हित कर सकता है। प्रत्येक अभ्यर्थी की स्क्रीन में एक कोने पर एक रंगीन सारांश पैनल दिखेगा, जिसमें अब तक उत्तरित जो उसने उत्तर दिए होंगे या अनुत्तरित प्रश्न अनुक्रमा तथा बुकमार्क प्रश्नों की संख्या अलग अलग वहाँ पर दिखाई देगी। इसमें क्लिक करके अभ्यर्थी संबंधित प्रश्नों को खोल सकता है। इसके अलावा प्रीवियस और नेक्स्ट बटन क्लिक करके आगे पीछे भी कर सकता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित सारांश पैनल, जो सारांश पैनल उसको दिखाई देगा, एक विशेष सुविधा है जिससे परिणाम के दौरान किसी भी समय अभ्यर्थी द्वारा अब तक की परीक्षा प्रगति के संक्षेप में विवरण दिखेगा, अर्थात कितने प्रश्न अनुत्तरित रह गए, जिनके आंसर उसने नहीं दिए हैं, कितने प्रश्न के आंसर दे चुका है, कितने समीक्षा के लिए उसने चिन्हित बुकमार्क कर रखे हैं। तो यह एक सब पैनल में उपलब्ध रहेगा, ये सुविधा आपको मिलेगी। इस सारांश पैनल में प्रश्न पत्र के विभिन्न खंड जैसे हिंदी सामान्य अध्ययन आदि भी प्रदर्शित होंगे। इन खंडों पर क्लिक कर अभ्यर्थी के सामने संबंधित खंड के प्रश्न उत्तर या समीक्षा के लिए प्रदर्शित होंगे। सारांश पैनल पर सीधे क्लिक करके सभी प्रश्नों के पर सीधे पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार अभ्यर्थी सारांश पैनल तथा नेक्स्ट तथा प्रीवियस क्लिक कर प्रश्न पत्र के किसी भी खंड या प्रश्न संख्या के में तत्काल जा सकेंगे या नेगेटिव कर सकते हैं, तो नेविगेट कर सकते हैं, सॉरी नेविगेट किया जा सकता है उनको, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला, किसी प्रश्न का एक विकल्प चुनने व उसे क्लिक करने के बाद अभ्यर्थी यदि दूसरे प्रश्न या प्रश्न पत्र के किसी अन्य भाग में जाना चाहता है तो जैसे ही वे दूसरे प्रश्न पत्र को या प्रीवियस या नेक्स्ट बटन करके क्लिक करके उत्तर सेव करते हैं तो वह उत्तर सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर साफ बताया गया है कि किसी प्रश्न का एक विकल्प चुनने व उसे क्लिक करने के बाद अभ्यर्थी यदि दूसरे प्रश्न पर या प्रश्न पत्र के किसी अन्य भाग में जाता है, जैसे ही वह दूसरे प्रश्न पत्र में प्रीवियस या नेक्स्ट में जाएगा तो क्लिक करने पर ही उसका उत्तर अपने आप ही सेव हो जाएगा। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर जो पहले क्लिक या सेव कर चुका है, जो वह पहले उत्तर आंसर वो चुन चुका है, तो उसको परिवर्तित करना चाहते हैं तो परीक्षा की अवधि में उस दौरान प्रश्न पर जाकर कभी भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर ये एक और बड़ा पॉइंट है, यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर जो पहले वो क्लिक या सेव कर चुका है हो चुका है को परिवर्तित करना चाहता है, अगर आपको लगता है कि आपने गलत ऑप्शन टिक कर दिया है, तो परीक्षा की अवधि जब आपका पेपर चल रहा है तो उस समय आप, तो आपको बता दिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाहते हैं, बाद में किसी भी प्रश्न में जा सकते हैं। फिर यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर जो पहले क्लिक कर चुका है, ये बता दिया है मैंने पॉइंट, प्रत्येक अभ्यर्थी को कंप्यूटर स्क्रीन पर परीक्षा समाप्ति के लिए शेष बचे समय का लगातार प्रतिशत होता है, तो आपको वहाँ पर टाइमिंग भी दिखती रहेगी कि कितना आपका जो टाइम है शेष बचा समय आपको लगातार प्रतिशत रहेगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगला पॉइंट आप जानते हैं, रफ कार्य के लिए अभ्यर्थी को रफ सीट अलग से दी जाएगी आपको, जिसमें पेंसिल से रफ कार्य किया जा सकेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका एक चौथाई ऋणात्मक अंक काटा जाएगा। परीक्षा समाप्ति से पूर्व अभ्यर्थी दिए गए उत्तरों की समीक्षा, उत्तर परिवर्तित संशोधित कर सकते हैं। परीक्षा समाप्ति के बाद जो सुविधाएं हैं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। तो परीक्षा की अवधि के दौरान जो आपका समय है, उस समय तो आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन उसके बाद ऑटो सेव हो जाएंगे आपके सारे आंसर, जैसी परीक्षा का जैसे ही टाइमिंग खत्म होगी, जैसे ही पेपर समाप्त हो जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा समाप्ति के समय से पूर्व हल कर लिया गया है तब भी उन्हें परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो आप तब तक परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ सकते जब तक
सभी चीज़ों का सत्यापन नहीं कर लिया जाता है, और तभी जाएंगे जब सब बच्चे एक साथ जाएंगे। परीक्षा समाप्त होने पर अभ्यर्थी की कंप्यूटर स्क्रीन पर समय समाप्ति की पुष्टि हो जाएगी और थैंक यू संदेश आ जाएगा। परीक्षा के दौरान व्यवहार वही है जो आपको अपेक्षित किया जाता है किसी भी परीक्षा में। बाकी आपको जो आपके प्रश्न पत्र में लिखा रहेगा आपको उसी प्रकार से व्यवहार करना है, ठीक है। प्रश्न और प्रवेश पत्र में जरूर पढ़ लें जो भी चीज़ें निर्देश दिए रहते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और मुझे अगर आप इसका PDF देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं मेरे, और या तो आप कमेंट करके बताइए अगर आपको टेलीग्राम का मेरा चैनल चाहिए, चैनल का लिंक चाहिए, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।